नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे बैचलर का अपोजिट जेंडर के बैचलर का अपोजिट जेंडर क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। बैचलर का अपोजिट जेंडर होता है बैचलोरेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।